है वो भी आइए जान लेते हैं पंडित जी से। नवरात्रा के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना का विधान है। आइए अब जान लेते हैं कि देवी पूजन में, नवरात्रि की स्थापना में, नवरात्रि की पूजा में घट स्थापना और माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ अंबिका की पूजा किस तरीके से की जाए। तो प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर आपको घट स्थापना करनी है। सर्वप्रथम आपको स्नान करके गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना है, शुद्ध करना, या अगर गोबर से नहीं करें तो गंगा जल मिले शुद्ध पानी से अपने पूजा घर की साफ सफाई आपको स्वयं को करनी, ये नहीं कि अपनी नौकरानी या नौकर से कराएं, आपको खुद को करनी है, साफ सफाई स्वयं करें। उसके पश्चात अब आप पूर्व की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके किसी भी गर्म आसन के ऊपर बैठ के घट स्थापना के लिए पवित्र जो मिट्टी होती है उससे बनी हुई जो वेदी का निर्माण करें, जो मिट्टी का बड़ा सकोरा जो होता है, परिंडा भी जिसको बोलते हैं, जिसमें पानी भरते हैं पक्षियों के लिए, तो ऐसा मिट्टी का बड़ा सकोरा वेदी उसका निर्माण करें। आजकल तो बाजार में बनी हुई मिलती है तो बाहर से भी ला सकते हैं, अच्छे से उसको धो के साफ कर लीजिए उसको। फिर उसमें मिट्टी, शुद्ध मिट्टी छान के, कंकर वगैरह नहीं हो उसके अंदर, और शुद्ध जगह की मिट्टी हो, ऐसे नहीं कहीं गंदे नाले की या शमशान घाट की या कहीं की भी मिट्टी लेके आ जाए, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। तो पवित्र मिट्टी से वेदी का निर्माण करना है। फिर उसके अंदर जौ, पहले मिट्टी डाल दीजिए, फिर जौ की परत डाल दीजिए, फिर मिट्टी डाल दीजिए, फिर जौ की परत डाल दीजिए, और थोड़े से गेहूं भी डाल सकते हैं यदि, वैसे तो खाली जौ का ही विधान है पर गेहूं भी डाल सकते हैं, दोनों को मिला के मिट्टी को मिक्स भी कर दीजिए मिट्टी में और थोड़े से ऊपर छिड़क दीजिए जौ उसके ऊपर। इस प्रकार आपको उसको जौ और गेहूं के दाने उसमें बोने हैं। उसी वेदी के मध्य में सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक आपको स्थापित करना है। दो तरीका है, या तो आप जो वेदी है उसको अलग से रख दीजिए, कलश की स्थापना अलग से करेंगे, और या कुछ जगह पे यह भी विधान बताया गया है कि जो वेदी है उसी के बीच में कलश की स्थापना कर दी जाती है। दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हैं, चौकी के ऊपर प्रधान वरुण कलश देवता की भी स्थापना कर सकते हैं या आप वेदी के उसमें भी रख सकते हैं। तो कलश को, चूंकि कलश जो है प्रधान, जो कलश है वरुण जो कलश है उसको भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, सभी देवी देवताओं का उसमें आह्वान होता है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश लेकर उसमें पूर्ण रूप से जल भर दीजिए, जल डालने के पश्चात में उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, साथ में एक साबुत सुपारी, कुछ चांदी का सिक्का मिल जाए या कुछ सिक्के हों वो उस जल में कलश में डालने हैं, दुर्वा, हल्दी की एक गांठ, सप्तमिट्टी मातृका जो होती है वो कलश के अंदर डाल दीजिए। अब आप कलश के मुख पर एक नारियल, जटा वाला जो नारियल होता है उसको लाल वस्त्र या चुनरी से लपेट कर बांध कर मोली से कलश के ऊपर रखना है, और कलश के मुख के चारों तरफ पंच पल्लव जिसको हम बोलते हैं अशोक वृक्ष या आम के पांच पत्ते उसमें चारों तरफ लगा दीजिए। अब आप, ये आपका कलश तैयार हो गया, वेदी तैयार होगी। अब आपको अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना करनी है। बाजोट के ऊपर, चौकी के ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वस्त्र बिछाने के पश्चात चावल से, आप चाहें तो उसको हरिद्रा से भी रंग सकते हैं, हल्दी से भी रंग सकते हैं, चावल से यानी अक्षत जो होते हैं उसे अष्ट दल बना लीजिए, स्वस्तिक बना लीजिए, ओम बना लीजिए, षोडश मातृका बना लीजिए, पितरों का स्थान बना लीजिए, ऐसे बनाकर माँ दुर्गा की जो अष्ट दल आपने बनाया है उस पर माँ दुर्गा की या आपके कुल देवी की एक मनमोहक तस्वीर, प्रतिमा, उसको स्थापित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा घट स्थापना के साथ में 9 दिवस तक अखंड दीपक की भी स्थापना की जाती है, पूरे 9 दिन तक जलने वाला दीपक, अखंड ज्योत। तो पूजा के समय एक शुद्ध देशी घी का दीपक और एक
भैरव जी महाराज के नाम का, एक सरसों के तेल का दीपक, तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं, चमेली का तेल भी ले सकते हैं, तो एक तेल का दीपक जलाना है और प्रतिदिन आपको जो दीपक है उसकी गंध चावल पुष्प इत्यादि से उसकी पूजा करनी है। इसके बाद अपने आप को तथा आसन की शुद्धि करनी, पूजा की शुरुआत करेंगे। ये आपने घट स्थापना कर ली, चौकी के ऊपर माता जी को विराजमान कर दिया, आप चाहें तो कलश को भी वहाँ पे विराजमान कर सकते हैं या वेदी में कर सकते हैं। फिर सबसे पहले आसन की और अपने आप की शुद्धि करनी, फिर आचमन करना है। आचमन, हाथ में जल ले लिया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे कहते हुए आचमन करना है। फिर जल लेके हाथ की शुद्धि करनी, हाथ धोना है। तत्पश्चात में आसन की पूजा करनी है। पृथ्वी जहां विराजमान है उस मां की आपको पूजा करनी है, शुद्धि करनी है। शुद्धि और आचमन के पश्चात में श्रीखंड चंदन का अनामिका उंगली, सबसे छोटी से पास वाली रिंग फिंगर, अनामिका उंगली से स्वयं को टीका लगाना है। ये ध्यान रखिए, टीके का विशेष महत्व होता है। जब भी आप पूजा करें तो सबसे पहले आपको टीका लगाना है, अनामिका उंगली से श्रीखंड चंदन का टीका लगाएं। अब आप पूरी नवरात्र अंतर्गत सबसे पहले देवी पूजा का संकल्प करें। संकल्प में क्या करना है, पुष्प हाथ में, पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल पानी वाला, या आप किसी दोने के अंदर में भी सारा सामान, नारियल वगैरह सब लेके, मिठाई मेवा इत्यादि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको